गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर 9, पार्ट 1. स्टूडेंट्स, दिस इज आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधन. इसके बारे में मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते ही होंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं और हमारा सामान जो है उसको भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. और हमारे जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता है, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ही कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, कभी बाइक से, कभी कार से, और कभी ट्रेन से, कभी एरोप्लेन से. तो ये होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट, वी यूज डिफरेंट व्हीकल टू गो टू डिफरेंट प्लेस. हम लोग अलग अलग तरह के व्हीकल यूज में लेते हैं अलग अलग जगह जाने के लिए. द वे ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट्स नोन एज ट्रांसपोर्ट. मतलब वो जगह, वो रास्ते जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं, परिवहन कहलाते हैं. और द व्हीकल यूज फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि वो व्हीकल, वो गाड़ी जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या हमारे सामान को ले जाने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, वो होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात का साधन, परिवहन का साधन. और जो रास्ते होते हैं वो होता है परिवहन हमारा, वो होता है ट्रांसपोर्ट. सम व्हीकल आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सम आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंट. कुछ हमारे जो है वो व्हीकल्स होते हैं वो लंबी दूरी के लिए होते हैं और कुछ जो होते हैं वो शॉर्ट दूरी, कम दूरी के लिए होते हैं. ट्रैवलिंग इन द पास्ट, यानी कि पुराने समय में बहुत साल पहले कैसे ट्रैवलिंग की जाती थी. आवर वर्ल्ड इज ह्यूज, बहुत हमारा जो हमारा संसार है वो बहुत ही बड़ा है. सो वी कैन नॉट रीच ऑल प्लेसेस बाय वॉकिंग. अब हम हर जगह पर चलकर तो नहीं जा सकते. वी यूज़ डिफरेंट व्हीकल टू रीच डिफरेंट प्लेस. हम लोग अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग व्हीकल यूज़ करते हैं. बट डू यू नो दैट मैनी मैनी ईयर्स अगो पीपल यूज टू ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट. लेकिन क्या तुमको पता है कि बहुत साल पहले क्या इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाता था. दे यूज़ टू कैरी देयर गुड्स ऑन देयर सोल्जर्स और ड्रैग्ड ऑन देम ऑन स्लेज विच वर मेड विद लॉग ऑफ वुड्स टाई टुगेदर. अब जो पुराने ज़माने के लोग थे, बहुत साल पहले वाले, वो क्या करते थे, गुड्स यानी कि अपना जो सामान होता था वो शोल्डर्स पर अपने रख के या ड्रैग यानी घसीट कर, स्लेज जो होती है ना, स्लेज कैसे होती है, ऐसी ऐसी गाड़ी टाइप की, उस पर घसीट कर लेकर जाते थे. कहाँ ले जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि गाड़ी नहीं होती थी. कैरी ऑन शोल्डर देम ऑन लेटर दे ऑल्सो बिगेन टू यूज एनिमल्स सच एज एलिफेंट एंड बुलॉक्स टू कैरी देयर गुड्स. बाद में उन्होंने क्या किया कि एलिफेंट और जो बैल होते हैं उनसे उनकी गाड़ी को वो खींचने लगे धीरे धीरे. फिर क्या हुआ, दे ऑल्सो रियलाइज दैट इफ दे टाई अ स्लैच ऑफ अ पैक ऑफ एनिमल मोर गुड कुड बी ट्रांसपोर्टेड. फिर बाद में उन्होंने ये समझा कि हम जो है अपनी एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है उसको ले जाने में एनिमल्स जो हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं. तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी पर क्या किए, ऐसे एनिमल लगा कर और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर घसीट कर ले जाने लगे सामान को. अर्ली पीपल परहैप्स ऑल्सो नोटिस्ड दैट लॉग ऑफ वुड रोल डाउन द स्टेप ग्राउंड ईजीली.
स्टीप ग्राउंड इजीली। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने फिर थोड़े ही टाइम में ये भी नोटिस कर लिया कि जो गट्ठर होता है लकड़ी का, वो रोल जो ऐसा होता है ना, वो आसानी से चलता है सड़क पर, मतलब ऐसे रोल होता रहता है ना, तो इजीली कोई भी चीज़ ले जाता है। दिस माइट हैव गिवन देम द आइडिया ऑफ व्हील। और इसी से उनको ये व्हील बनाने का, ये जो है सर ऐसा चक्के बनाने का, व्हील बनाने का उनको आइडिया दिमाग में आया कि जो गोल चीज़ होती है वो सड़क पर आसानी से चल सकती है, तो उनको आइडिया आया। फिर उन्होंने क्या किया, दे एडिशन ऑफ व्हील्स टू द स्लेज हेल्प्ड इट ऑन मूव फास्टर। तो उनको ये आइडिया आया कि जो स्लेज हमारी जो गाड़ी बनाई है, उसको हम घसीट कर जो ले जाते हैं, अगर हम उसमें ऐसे व्हील लगा दें तो वो और आसानी से मूव करेगी, और तेजी से मूव करती है। ट्रैवलिंग टुडे ऑन लैंड, मतलब आज जो हम आज के जो टाइम में हम ट्रैवलिंग करते हैं लैंड यानी ज़मीन पर, तो कैसे करते हैं, बाइक पर करते हैं, ऑटो रिक्शा, कार, बस, इन सब पे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नोवा अडेज इन सिटीज़ और एंड टाउन देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं कि सिटीज़ में और टाउन्स में हमें कई तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। वी कैन ट्रैवलिंग बाय बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल एंड साइकिल, साइकिल रिक्शा। तो अब हम जो एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, तो सिटीज़ में हम क्या-क्या हमें देखने को मिलता है, कार, बस, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बाइक्स और जो साइकिल होती है वो। इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, ब्लॉक ब्लॉक कार्ट, कैमल कार्ट एंड तांगाज, टांगा नहीं होते जिसमें घोड़ा लगा होता है, एंड ऑल्सो यूज टू आर ऑल्सो यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टू कैरी गुड्स। यानी कि जो गांव जो होते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, या तो बैलगाड़ी यूज़ में ली जाती है, या जो ऊंट लगा होता है वो वाली गाड़ी, या फिर जो तांगा होता है ना जिसमें घोड़ा लगा होता है वो जो चीज़ है वो यूज़ में ली जाती है। ऑल दीज व्हीकल्स रन ऑन रोड्स, ये सारे जो व्हीकल्स हैं ये सड़क पर चलते हैं। ट्रेन आर अनदर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन जो है वो हमारा एक अलग तरह का यातायात का साधन है। हाउ एवर दे रन ऑन ट्रैक लेड ऑन द ग्राउंड, मतलब सड़क जमीन पर ट्रैक बिछाए जाते हैं, ट्रैक यानी जो लोहे की पटरी होती है, दीज ट्रैक आर कॉल्ड रेल्स। जो ट्रेन होती है वो उस पटरी पर चलती है और उनको हम रेल भी बोलते हैं। ट्रेन्स कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ट्रेन्स जो हैं वो हमारी क्या करती हैं, सामान को और हमको हमारी जो कंट्री की जो दूर दूर की जगह हैं उन पर हम उन वो उनको लेकर जाती है। इन अवर कंट्री सिटी सच एज कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड चेन्नई हैव मेट्रोज फॉर ट्रेवलिंग विद इन द सिटी। अब जो बड़ी बड़ी सिटी हैं हमारी कंट्री की, जैसे कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, ये बड़ी बड़ी सिटी हैं, इनमें इन खुद की सिटी के अंदर घूमने के लिए मेट्रो ट्रेन होती है, वो उसमें लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सिटी में जाते हैं। ये देखिए, ये पुराने ज़माने में रथ वगैरह होते थे, उनको घोड़ों से चलते थे, ये तांगा है और ये है हमारी ट्रेन। तो ये मेट्रोज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, देखो तो बसों के जैसे ही दिखती हैं वो। तो ये हो गया हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने इस चैप्टर में आज हम अब इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे रीड करेंगे। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।